भाई और बहनों, जब पूरा यूपी एक साथ बढ़ता है तभी तो देश आगे बढ़ता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम यूपी के विकास के लिए जी जान से जुटे हैं, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। आप पुराने दिनों को याद कीजिए, पुराने निर्णयों को याद कीजिए, पुराने कामकाज के तरीकों को याद करिए, आपको साफ साफ नजर आएगा अब यूपी में भेदभाव नहीं, सबका भला होता है। आप याद करिए, 5 साल पहले का हाल, राज्य के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो दूसरे शहरों और गांव देहात में बिजली ढूंढे नहीं मिलती थी। ऐसा ही होता था ना? जरा जोर से बताइए, ऐसा ही होता था ना? कुछ ही लोगों का भला होता था ना? कुछ ही लोगों के फायदे के लिए काम होता था ना? डबल इंजन की सरकार ने ना सिर्फ यूपी में करीब 80 लाख मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, बल्कि हर जिले को पहले से कई गुना ज्यादा बिजली दी जा रही है। गरीबों को घरों को लेकर के भी पहले की सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। अभी योगी जी वर्णन कर रहे थे कि काशी में मोदी जी ने शिव जी की पूजा की और वहां से निकलने के तुरंत बाद श्रमिकों की पूजा की, श्रमिकों को पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन किया। भाइयों बहनों, वो तो कैमरा वाले थे तो आपके ध्यान में आया, लेकिन हमारी सरकार तो दिन रात गरीबों के लिए ही काम करती है, गरीबों के लिए। हमारी सरकार ने यूपी में 30 लाख से ज्यादा गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए हैं। भाइयों बहनों, जब खुद का पक्का घर बनता है, जब खुद का पक्का घर बनता है तो सम्मान से जीने का मन करता है कि नहीं करता है, माथा ऊंचा होता कि नहीं होता है, सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है, गरीब को भी देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है कि नहीं होती है। अगर मोदी ये काम करता है तो ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? 30 लाख गरीबों को अपना पक्का घर मिल जाए, हमें उनके आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उनके आशीर्वाद से हमें ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उस ताकत से हम आपकी ज्यादा सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम जी जान से आपके लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, यहां शाहजहांपुर में भी कभी किसी ने सोचा है? पूरे उत्तर प्रदेश में इतना काम कभी नहीं होता था। अकेले हमारे यहां शाहजहांपुर में भी 50,000 लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है। जिन लोगों को अब भी पीएम आवास योजना के घर नहीं मिले हैं,
उनके लिए घर जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए भी मोदी और योगी दिन रात काम करते हैं और करते रहेंगे। हाल ही में हमारी सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए। 2 लाख करोड़ रुपए कितने 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 2 लाख करोड़ रुपए, और किस काम के लिए? गरीबों के पक्के घर बनाने के लिए। यह खजाना आपका है, आपके लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। दोस्तों, 5-50 परिवारों की भलाई के लिए आपके पैसों का दुरुपयोग हम नहीं कर सकते। हम आपके लिए ही काम करते हैं मेरे भाइयों बहनों।